नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। मई की 29 तारीख को अभिनय के दिग्गज यानी कि लेजेंडरी एक्टर पंकज कपूर का जन्मदिन होता है। इस तारीख के बहाने आज बात करते हैं पंकज कपूर के 10 सर्वश्रेष्ठ किरदारों के बारे में, जो कि धारावाहिकों से लेकर फिल्मों के बीच सफर करते हैं। हर कोई ये बात जानता है कि पंकज कपूर हमारे हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मुकाम, वो शोहरत, वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। अभिनय में पंकज कपूर का कद नसीरुद्दीन शाह के बराबर का है और आज के दौर के महरूम इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उनका ये कद बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी इन अभिनेताओं के भी बराबर की शोहरत उन्हें नसीब नहीं हुई। बॉलीवुड के बाद अगर आप हॉलीवुड में उनके जैसा कोई एक्टर ढूंढना चाहें तो शायद वो तलाश डेनियल डे लुइस पर खत्म होगी। अमेरिकी सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में गिने जाने वाले डेनियल डे लुइस मेथड एक्टिंग के बादशाह माने जाते हैं। वे इतनी शिद्दत से अपने किरदारों को जीते हैं कि 35 साल के करियर में उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में ही अभिनय किया है और उनका हर बड़ा रोल एक्टिंग की मास्टर क्लास माना जाता है। पंकज कपूर भी इसी लीग के एक्टर हैं। वे बेहद सीमित काम करते हैं और इतनी इंटेंस मेथड एक्टिंग करते हैं कि उनके ज्यादातर किरदार हमारे यहाँ एक्टिंग की मास्टर क्लास कहलाते हैं। हर रोल के लिए वे सिर्फ अपनी शारीरिक बनावट में बदलाव नहीं करते, हाथों, आंखों, जुबान भर का अनूठा उपयोग नहीं करते, बल्कि किरदार के हेड स्पेस में ऐसे प्रवेश करते हैं कि फिर हमें फिल्म में पंकज कपूर साहब कहीं नजर ही नहीं आते। तो चलिए ऐसे विलक्षण अभिनेता की टॉप की 10 एक्टिंग परफॉर्मेंसेस पर नजर डालते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके कुछ यादगार किरदार फिर भी छूट ही जाएंगे और उसके लिए हमें टॉप 20, टॉप 30 जैसी लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। पहली फिल्म का नाम है एक डॉक्टर की मौत। 1990 में आई इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते थे और निर्देशन किया था तपन सिन्हा ने। पंकज कपूर ने इस फिल्म में अपनी धुन में रहने वाले एक ऐसे अक्खर डॉक्टर की भूमिका निभाई है जो कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाली वैक्सीन की खोज करता है, लेकिन करप्ट सिस्टम की वजह से उसे इस खोज का सम्मान नहीं मिलता। डॉक्टर दीपांकर रॉय के इस इंटेंस रोल में पंकज कपूर ने न सिर्फ कमाल का अभिनय किया है बल्कि जिस तरह की उनकी एक्टिंग हम अभी देखने के आदि हैं उससे बेहद अलग तरह का अभिनय हमारी नजर होता है। वे तब 36 साल के थे और ये वो दौर था जिसमें वे अपने अभिनय के व्याकरण के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे जो कि बाद में जाकर ही उनके मैनरिज्म का स्थायी हिस्सा बने। इस फिल्म को जरूर देखिएगा। पंकज कपूर के जीवन की टॉप 5 फिल्मों की जितनी भी सूचियां बनी हैं या बनेंगी उसमें इस फिल्म का शुमार हमेशा होगा। एक डॉक्टर की मौत के ठीक बाद पंकज कपूर नीम का पेड़ में नजर आए थे, जो कि दूरदर्शन पर पहली बार 1991 में प्रसारित हुआ। अगर आप मेरी तरह दूरदर्शन के साथ ही बड़े हुए हैं तो इस सीरियल में उनके निभाए किरदार बुधई राम को आप भूल ही नहीं सकते। इस धारावाहिक में उन्होंने एक बंधुआ मजदूर की भूमिका अदा की थी जिसका जमींदार मुसलमान था और नीम का पेड़ एक रूपक की तरह इस्तेमाल हुआ था। 58 एपिसोड का यह धारावाहिक राही मासूम रजा साहब की आखिरी कृति थी और इसकी कहानी बंटवारे से पहले और बाद के फ्यूडल सिस्टम को रेखांकित करती थी। वैसे तो इससे पहले भी पंकज कपूर टेलीविजन की दुनिया में कल धारावाहिक करमचंद के साथ छा चुके थे और उनकी कॉमेडी लाखों दर्शकों को अपना मुरीद बना चुकी थी, लेकिन अगर आप करियर के शुरुआती दौर की उनकी एक्टिंग रेंज को ठीक से समझना चाहते हैं तो पहले एक डॉक्टर की मौत देखिए और फिर नीम का पेड़। एक साल के अंतर में उन्होंने जिस तरह एक शहरी किरदार और घोर ग्रामीण किरदार में अभिनय का अथाह फर्क पैदा किया है वो काबिले गौर चीज है। रुई का बोझ 1997 में आई एक फिल्म है जिसमें पंकज कपूर ने अपनी असल उम्र से काफी आगे का रोल अदा किया और क्या खूब अदा किया। वे इसमें एक ऐसे बुजुर्ग नायक के रोल में हैं जो अपने परिवार से अलग भी होना चाहता है और उससे प्यार भी करता है। भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों का सच्चा खाका खींचने वाली इस फिल्म में पंकज कपूर का अभिनय देखकर आपकी रुलाई फूट सकती है। परिवार में रहकर भी अकेले रह गए एक बुजुर्ग की मनोस्थिति को पंकज कपूर ने ऐसे जिया है
जैसे वे असल जिंदगी में ऐसा जीवन जी चुके हों। जबकि इस फिल्म को शूट करने के दौरान उनकी उम्र कुछ 42-43 की थी। यही वो मेथड एक्टिंग है जिसके चलते पंकज कपूर अपने किरदारों में प्राण फूंक देते हैं, और आगे चलकर तो उन्होंने इस किस्म की एक्टिंग का शिखर भी कई कई बार छुआ है। 2001 में पंकज साहब ने एक और धारावाहिक में काम किया, महामशहूर सिटकॉम ऑफिस ऑफिस, जिसमें 200 से ज्यादा एपिसोड थे। ये धारावाहिक इसलिए भी खास है कि जो अभिनेता एक से बढ़कर एक गंभीर भूमिकाएं करे, इंटेंस रोल्स के लिए जाना जाए, उसका सिचुएशनल कॉमेडी करना और उसमें भी एक अलहदा लाइटनेस ऑफ टच लेकर आना काबिले तारीफ बात होती है। पंकज कपूर ने अपने करियर में कई फिल्मों और धारावाहिकों में सिचुएशनल कॉमेडी में हाथ आजमाया है और जबरदस्त सफलता भी हासिल की है, लेकिन उनका जो कॉमिक किरदार कालजई है वो ऑफिस ऑफिस का मुसद्दी लाल है। आज भी इस सीरियल को यूट्यूब पर देखें तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पांचवी फिल्म का नाम है 2003 में आई मकबूल, जिससे हिंदी सिनेमा का हर दर्शक परिचित है, और वो परिचित है इस बात से भी कि इसमें पंकज कपूर ने लिटरली मेथड एक्टिंग का शिखर छू लिया था। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में उनकी मुख्य भूमिका थी भी नहीं, लेकिन अपने अनूठे मैनरिज्म के चलते पंकज कपूर पूरी फिल्म में छाए रहे थे। अब्बू जी के अपने डॉन किरदार के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी शारीरिक बनावट को गढ़ा था, जिस तरह गहरी आवाज का उपयोग किया था, काजल लगी आंखों और गहरी सांसों को शब्दों से ज्यादा प्रभावी बनाया था, वो मेथड एक्टिंग की बारीक चीजें थी जिन्होंने मिलकर अब्बू जी नाम के किरदार को दर्शकों के लिए बेहद खौफनाक बना दिया था। तहरीर मुंशी प्रेमचंद की 2004 में आया एक सदाबहार धारावाहिक है। इसे गुलजार ने निर्देशित किया था और ये आज भी यूट्यूब पर खूब देखा जाता है। दूरदर्शन के लिए बनाए इस धारावाहिक में गुलजार ने प्रेमचंद की कई कालजयी रचनाओं को सिनेमाई रूप दिया था, जिसमें गोदान से लेकर निर्मला, ईदगाह, कफन और पूस की रात जैसी रचनाएं शामिल हैं। 27 एपिसोड के इस धारावाहिक में दो ऐसी कहानियां हैं जिसमें पंकज कपूर ने भी लीड रोल निभाए हैं। एक है एक एपिसोड वाला कफन, दूसरा है 12 एपिसोड वाला गोदान। और यही गोदान है जिसमें पंकज कपूर ने अपने करियर का एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। प्रेमचंद के कालजयी पात्र होरी को उन्होंने न सिर्फ जीवंत किया बल्कि ऐसा किया कि उनके करियर की टॉप 5 भूमिकाओं में ये रोल हमेशा शुमार किया जाएगा। प्रौढ़ अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक होरी जो कुछ सहता बर्दाश्त करता है उसको पंकज कपूर ने इतने मार्मिक और सजीव अंदाज में जिया है कि प्रेमचंद का ये कालजयी किरदार हमेशा के लिए पंकज कपूर का चेहरा अख्तियार कर चुका है। नहीं देखा है तो गोदान यूट्यूब पर जरूर देखिएगा। सातवीं फिल्म का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। 2005 में आई इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से पहले पंकज कपूर ने जितनी भी ग्रामीण भूमिकाएं निभाई थी उसका सारा अनुभव, उनके कई सारे मैनरिज्म इस फिल्म के उनके किरदार नंदू खत्री में नजर आते हैं। कहने को तो ये एक बाल फिल्म है, लेकिन एक छतरी के लिए पागल हो चुके किरदार को अभिनीत करते वक्त पंकज कपूर ने मानव मन की इतनी सारी परतें हमारी नजर कर दी थी कि आपने किसी भी एक्टर को एक बाल फिल्म के लिए इस तरह खुद को झोंकते नहीं देखा होगा। ये एक अविश्वसनीय अभिनय है जो कि भले ही मकबूल की तरह उनका सेलिब्रेटेड रोल नहीं है, लेकिन उसी रोल के स्तर की अभिनय की एक और मास्टर क्लास है। अगर नहीं देखी है तो द ब्लू अम्ब्रेला जरूर देखिएगा। पंकज कपूर की आवाज की बनावट, संवाद बोलने का अलहदा तरीका, हाथ का अनूठा उपयोग और एक छतरी के प्रेम में खुद को न्यौछावर कर देना आपको इस फिल्म के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक और अभिनय की मास्टर क्लास। मैं न जाने कितनी और बार इस वीडियो में मास्टर क्लास बोलूंगा और फिर आपको वो शब्द क्लीशे लगने लगेगा, साधारण लगने लगेगा, लेकिन सच बात यही है कि 2007 में आई फिल्म धर्म में भी पंकज कपूर ने अभिनय की मास्टर क्लास ही हमारी नजर की है। बनारस के एक ऐसे पंडित के रोल में जिसके लिए धर्म सर्वोच्च है, पंकज कपूर ने एक बार फिर मेथड एक्टिंग का सहारा लेकर खुद में शारीरिक बदलाव भी किया और किरदार की आत्मा को भी संवारा। किरदार के अनुशासन, क्रोध, कट्टरता और सबसे ऊपर मानवता को उन्होंने अद्भुत अभिव्यक्ति दी। बनारस के पंडितों
और उनके जीवन पर और भी कई हिंदी फिल्में बनी हैं, लेकिन इतना ओजस्वी पूर्ण अभिनय इस परिवेश वाली फिल्म में किसी और कलाकार ने शायद नहीं किया है। नहीं देखी है तो इस फिल्म को भी जरूर देखिए। ये धर्म अधर्म का फर्क समझाते हुए सामाजिक सद्भाव की बात मजबूती से करती है, जो कि हमारे इस वक्त की अहम जरूरत है। नौवी फिल्म है 2008 में आई हल्ला बोल। वैसे तो ये कोई खास अच्छी फिल्म नहीं है, टिपिकल मसाला फिल्म है जिसमें राजकुमार संतोषी सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिल्म यहाँ इसलिए मौजूद है ताकि हम समझ सकें कि एक टिपिकल मसाला फिल्म में भी अगर कोई अद्भुत अभिनेता मौजूद हो तो वो कैसे एक ओवर द टॉप कैरेक्टर को शानदार अंदाज में अभिनीत कर सकता है। फिल्म में पंकज कपूर का किरदार सिद्धू वैसे तो सफदर हाशमी साहब से प्रेरित है, नुक्कड़ नाटक करता है लेकिन अपनी ही एक अलग ठसक भी रखता है। तलवार लेकर गुंडों से अकेला लड़ जाता है और बरस रही गोलियों से भी नहीं डरता है। अब ऐसे टिपिकल बॉलीवुड हीरोइक किरदार में कोई भी पंकज कपूर को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ही ये विलक्षण प्रतिभा है कि उन्होंने इस क्लीशे किरदार को भी अलहदा अंदाज में रीड किया और उतने ही अलहदा अंदाज में अभिनीत भी किया है। दसवीं और आखिरी फिल्म है मटरू की बिजली का मंडोला। 2013 में आई इस एब्सर्ड कॉमेडी का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और पंकज कपूर ने एक बार फिर क्या ही कमाल अभिनय किया है। कॉमेडी और क्रूरता का जो कॉकटेल वे अपने किरदार में यहाँ पेश करते हैं वो कम ही हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। रात में शराब पीकर उनका किरदार मंडोला कॉमेडी करने लग जाता है और गांव वालों की भलाई की बातें करता है। दिन में वही मंडोला सोबर रहकर क्रूर बिजनेसमैन बन जाता है और गांव वालों से जमीन छीनकर उसे विकास का चमचमाता मॉडल बनाना चाहता है। पंकज कपूर इन दोनों ही रंगों में अद्भुत अभिनय करते हैं और उनका ये अतरंगी सतरंगी अभिनय दिल को खुशी से लबालब भर देता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको पंकज कपूर की कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज बेहद पसंद हैं। उनका भी नाम लिखिएगा जो इस वीडियो में दर्ज नहीं हो सकी। शुक्रिया।